दोस्तों, मैं खुशबू साहू स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जनजातीय निवास और उनके भाषा समूह के बारे में। ये जो जनजातियाँ हैं जो छत्तीसगढ़ में निवास करती है, वो छत्तीसगढ़ के किन किन क्षेत्रों में निवास करते हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे, और छत्तीसगढ़ की जनजातियों को कितने भाषा समूह में बांटा गया है और ये जनजातियाँ किस किस भाषा समूह के अंतर्गत आती है हम इसकी बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जनजातीय निवास से। हम जनजातीय निवास की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोंड जनजाति की। ये वो जनजाति है जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा निवास करती है, अर्थात इसकी जो जनसंख्या है वो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है जनजातियों में। तो कितनी जनसंख्या है, तो इसकी जो जनसंख्या है वो लगभग है 40 लाख। ठीक है, तो वैसे तो ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ में निवास करती है, लेकिन ये स्पेशली कहाँ निवास करती है, तो ये स्पेशली बस्तर संभाग में निवास करती है। बस्तर संभाग का मतलब क्या हो गया, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा। ठीक है, तो यहाँ कौन निवास करता है, गोंड जनजाति। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबू जमाड़िया की। तो देखिए, अबू जमाड़िया कहाँ निवास करती है, नारायणपुर और बीजापुर में। तो छत्तीसगढ़ में ये कहाँ निवास करेगी, तो ये है आपका नारायणपुर और ये है आपका बीजापुर। तो यहाँ कौन निवास करती है, अबू जमाड़िया। फिर हम बात करते हैं दोरला जनजाति की। ये कहाँ निवास करती है, बीजापुर और सुकमा में। नेक्स्ट हम बात करेंगे धुरवा जनजाति की। ये वही जनजाति है जिसे परजा जनजाति भी कहा जाता है, और बस्तर संभाग में इसे क्या कहा जाता है, धुरवा जनजाति कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ निवास करती है, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर और कोंडागांव। तो सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर और कोंडागांव, यहाँ पर कौन निवास करता है, परजा जनजाति, परजा या धुरवा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे मुरिया जनजाति की। तो ये जो मुरिया जनजाति है कहाँ कहाँ निवास करती है, कांकेर, नारायणपुर और कोंडागांव। देखिए यहाँ पर निवास करती है मुरिया जनजाति। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे अंध जनजाति की। तो ये जो अंध जनजाति है वो कहाँ निवास करती है, बस्तर में निवास करती है। जो भतरा जनजाति है वो भी कहाँ निवास करती है, बस्तर में निवास करती है। ठीक, अब हम ऐसी तीन जनजातियों के बारे में बात करेंगे जो दक्षिण में तो निवास करती है और ये मैदानी क्षेत्रों में भी निवास करती है और छत्तीसगढ़ के उत्तर में भी निवास करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गदबा जनजाति की। ये जो गदबा जनजाति है वो छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों में निवास करती है। तो आइए देखते हैं ये कहाँ कहाँ निवास करती है। तो सबसे पहले तो ये बस्तर में निवास करती है। देखिए यहाँ पर मैं गदबा को गोला घेर रही हूँ। गोला घेरने का मतलब ये है कि ये बस्तर में तो निवास करती है और भी दूसरी जगहों पर निवास करती है। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ निवास करती है, तो बिलासपुर में निवास करती है और रायगढ़ में निवास करती है। अब हम बात करेंगे पारधी जनजाति की। तो पारधी जनजाति जो है वो ये जो है कोरबा, सरगुजा और रायगढ़। पारधी जनजाति जो है छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में कोरबा, सरगुजा और रायगढ़, और नीचे में ये कहाँ निवास करती है, बस्तर में निवास करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हलबा जनजाति की। ये जो हलबा जनजाति है ये छत्तीसगढ़ में स्पेशली बस्तर संभाग में निवास करती है और उसके और छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में भी निवास करती है। तो देखिए बस्तर संभाग का मतलब ये पूरा एरिया आ गया, और मैदानी क्षेत्र का मतलब ये है कि ये यहाँ कहाँ कहाँ निवास करती है, दुर्ग में, रायपुर में, धमतरी में, और ये पूरा एरिया मान के चलिए आपका बस्तर संभाग का। तो यहाँ कौन निवास करता है, हलबा जनजाति। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन कौन सी जनजाति निवास करती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी जो गोंड जनजाति है और उसकी जो उपजाति है, जैसे कि अबू जमाड़िया, मुरिया, मारिया, दोरला, परजा, ये जितनी भी जनजाति ये कहाँ निवास करती है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में निवास करती है। इसके अलावा जो भतरा जनजाति है और जो अंध जनजाति वो सिर्फ कहाँ निवास करती है, बस्तर में निवास करती है। और पारधी जनजाति और गदबा जनजाति, ये दो जनजातियाँ ऐसी है जो कि बस्तर में निवास करती है और छत्तीसगढ़ के नॉर्दर्न एरिया मतलब कि उत्तरी क्षेत्र में भी निवास करती है। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में जो जो जनजाति निवास करती है उसके बारे में। तो आइए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैगा जनजाति की। तो ये जो बैगा जनजाति है वो मैकल रेंज में निवास करती है। तो मैकल रेंज में क्या क्या आ जाएगा आपका, राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली और बिलासपुर। तो यहाँ निवास करती है बैगा जनजाति। अगला हम बात करेंगे भील जनजाति की। तो ये दुर्ग और रायपुर में निवास करती है। दुर्ग और रायपुर मतलब ये वाला एरिया जो आपका ये है दुर्ग है और ये आपका ये दुर्ग है और ये रायपुर है। तो यहाँ कौन निवास करता है, भील जनजाति। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगरिया जनजाति की। तो ये रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा में निवास करती है। तो देखिए यहाँ पर निवास करती है रायपुर, ये है बिलासपुर और सरगुजा कहाँ है, देखिए ये है आपका सरगुजा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे बिंजवार जनजाति की। तो बिंजवार जनजाति जो है वो बिलासपुर, रायपुर और बलौदा बाजार में निवास करती है। तो देखिए इसका पाथ क्या होगा, बिलासपुर, बलौदा बाजार और रायपुर, यहाँ कौन निवास करता है, बिंजवार जनजाति। अगली बात हम करेंगे प्रधान जनजाति की। तो ये रायपुर, मुंगेली और बिलासपुर में निवास करते हैं। तो रायपुर, मुंगेली और बिलासपुर, तो इसका हम बाउंड्री बनाते हैं, बिलासपुर, मुंगेली और रायपुर में निवास करती है। कौन सी जनजाति निवास करती है, प्रधान। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे कमार जनजाति की और भुंजिया जनजाति की। तो ये जो कमार जनजाति है ये स्पेशली गरियाबंद में निवास करती है और आंशिक रूप से जनजाति जो है वो धमतरी में निवास करती है। ये जो भुंजिया जनजाति है ये छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत भी आती है। ये कहाँ निवास करती है, गरियाबंद में निवास करती है। तो ये है आपका गरियाबंद, यहाँ क्या है कमार जो कि आंशिक रूप से धमतरी में भी निवास करती है और भुंजिया। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे सौरा या सांवरा जनजाति की। तो सौरा या सांवरा जनजाति जो है महासमुंद और रायगढ़ में निवास करती है। तो महासमुंद ये है और रायगढ़ ये है, तो यहाँ कौन निवास करता है, सौरा जनजाति। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों की। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पंडो। ये जो पंडो जनजाति ये बिलासपुर और सरगुजा में निवास करती है। तो देखिए बिलासपुर कहाँ है, ये वाला एरिया है बिलासपुर, और सरगुजा कहाँ है, ये वाला एरिया। तो देखिए यहाँ पर सरगुजा का जो स्पेस है वहाँ पर बहुत ही कम है, तो मैं इसे बाहर लिख देती हूँ। तो कहाँ कहाँ निवास करते हैं सरगुजा में, ये सरगुजा में कौन कौन निवास करता है, पंडो। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं खैरवार जनजाति की। तो देखिए खैरवार जनजाति जो है वो उत्तरी सीमावर्ती जिलों में निवास करती है। तो देखिए यहाँ पर देखिए बिलासपुर, सूरजपुर, सरगुजा और बलरामपुर। तो देखिए बिलासपुर, सूरजपुर, सरगुजा और बलरामपुर, तो यहाँ कौन निवास करता है, खैरवार जनजाति। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल जनजाति की। तो कोल जनजाति जो है वो बिलासपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर में निवास करती है। कहाँ कहाँ निवास करती है, बिलासपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर में, यहाँ निवास करती है कोल जनजाति। ठीक, उसी प्रकार हम देखते हैं कोरकू जनजाति की। तो ये छत्तीसगढ़ के पूरे बाउंड्री क्षेत्र में निवास करती है, उत्तरी सीमावर्ती जिलों में निवास करती है, बिलासपुर से लेके पूरा रायगढ़ तक की बाउंड्री बनती है। तो देखिए बिलासपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर और रायगढ़, इस पूरे क्षेत्र में कौन निवास करता है, कोरकू जनजाति निवास करती है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं पहाड़ी कोरवा की। तो पहाड़ी कोरवा जनजाति का जो नाम है वो स्पेशली कैसे पड़ा, क्योंकि ये कोरबा क्षेत्र में निवास करते हैं इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, कोरवा जनजाति पड़ा। ठीक है, तो देखिए कहाँ कहाँ निवास करती है, कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर और रायगढ़। तो यहाँ पर देखिए कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर और रायगढ़, इन क्षेत्रों में निवास करती है पहाड़ी कोरवा जनजाति। कौन, पहाड़ी कोरवा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंझवार जनजाति की। तो मंझवार जनजाति कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ में निवास करती है। तो देखिए कोरबा ये है, सरगुजा ये है और रायगढ़ ये है, तो इन क्षेत्रों में निवास करती है मंझवार जनजाति। नेक्स्ट हम बात करेंगे उराव की। तो उराव का आपको सबको पता होगा कि ये सरगुजा, रायगढ़ और जशपुर में निवास करती है। तो सरगुजा, रायगढ़ और जशपुर, यहाँ पर निवास करती है उराव जनजाति।
अगला है मुंडा जनजाति और बिरहोर जनजाति। मुंडा जनजाति और बिरहोर जनजाति जो है वो रायगढ़ और जशपुर के क्षेत्र में निवास करती है। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है। कहाँ कहाँ निवास करती है? जशपुर और रायगढ़ में। कौन कौन सी जनजाति है? मुंडा और बिरहोर। नेक्स्ट हम देखते हैं भैना जनजाति की। तो ये जो जनजाति है ये कहाँ निवास करती है? बिलासपुर और रायगढ़ के क्षेत्र में। बिलासपुर और रायगढ़ का क्या मतलब है कि ये छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिले, जो कि उत्तर पूर्वी जिला है और उत्तर पश्चिमी जिला है, वहाँ निवास करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कवर जनजाति की। तो ये पूरे मैदानी क्षेत्र को कवर किए हुए हैं। मैदानी क्षेत्र का मतलब क्या होता है आपका? सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। तो देखिए यहाँ पर है सरगुजा बिलासपुर, ये वाला पूरा जो एरिया, ये वाला जो पूरा एरिया है, इसे ये क्या की हुई है? कवर करके रखी हुई है। अगरिया जनजाति जो है ये रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा में निवास करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारिया जनजाति की। तो ये भी सरगुजा और बिलासपुर में निवास करती है। उसके बाद हम देख रहे हैं कंध की। तो कंध जनजाति जो है वो सिर्फ और सिर्फ रायगढ़ में निवास करती है। उसी प्रकार धनवार जनजाति जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिलासपुर में निवास करती है। CGPSC में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंध जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में निवास करती है। चार ऑप्शन दिया होगा जिसमें से एक होगा रायगढ़, तो आपको क्या टिक करना है? रायगढ़ टिक लगाना है, ठीक है। उसी प्रकार धनवार जनजाति के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम नगेशिया की। तो ये कहाँ निवास करती है? सरगुजा, जशपुर और कहाँ निवास करती है? रायगढ़ में निवास करती है, ठीक। तो ये हो गए जनजाति के निवास स्थान। तो देखिए ये जो आखिरी मैंने जितनी जनजातियों के बारे में बताई, ये निवास कहाँ करती है? या तो सरगुजा में, या तो बिलासपुर में, या तो सरगुजा और बिलासपुर में, ठीक है। तो इनका मैपिंग मैंने इसलिए यहाँ पर नहीं किया क्योंकि ये सारी जनजातियाँ क्या है? सरगुजा में या तो बिलासपुर में निवास कर रही, या तो दोनों क्षेत्रों में निवास कर रही है, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों को कितने भाषा समूह में विभाजित किया गया है। तो कुछ हम पहले भाषा समूह के बारे में जान लेते हैं। ये जो छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ हैं, इन सबकी अपनी एक विशिष्ट भाषा या बोली है, ठीक है। इन भाषा और बोलियों का ना ही कोई लिपि है और ना ही कोई लिखित में व्याकरण है। ये सिर्फ और सिर्फ आम बोलचाल की भाषा है। इन भाषाओं में जो आसपास के पड़ोसी जो राज्य हैं उनकी भाषा और उनकी बोली का क्या होता है? प्रभाव होता है। तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों को भाषा समूह के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं देखिए, ये है पहला आर्य, दूसरा द्रविड़ और तीसरा मुंडा। ये जो आर्य भाषा समूह है इसमें 87 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। उसी प्रकार जो द्रविड़ भाषा समूह है उसमें 19 प्रकार की बोली बोली जाती है, और जो मुंडा भाषा समूह है उसमें 16 प्रकार की बोली बोली जाती है, ठीक। आगे हम बात करते हैं कि आर्य भाषा समूह कैसे निश्चित किया गया। तो ऐसी जनजातियाँ जो लोग अपनी मूल परंपरागत भाषा या बोली को छोड़कर स्थानीय क्षेत्र की बोली बोलने लगे, या फिर अपनी मूल जो परंपरागत भाषा या बोली है और जो स्थानीय क्षेत्रीय बोली है उनकी मिश्रित बोली बोलने लगे, तो उन्हें क्या कहा गया? आर्य भाषा समूह कहा गया। द्रविड़ भाषा समूह और मुंडारी भाषा समूह की बात करें तो ऐसी जनजातियाँ जो कि मुंडारी भाषा समूह की बोलियाँ बोलती है उन्हें मुंडारी भाषा समूह बोला गया, और ऐसी जनजातियां जो कि द्रविड़ भाषा समूह की बोली बोलती है उन्हें द्रविड़ भाषा समूह कहा गया, ठीक। अब देखते हैं कि इन भाषा समूहों में कौन कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्य भाषा समूह की। तो आर्य में जनजाति समूह में आती है कंवर, बिंझवार, भुंजिया, धनवार, भैना, हलबा। यदि हम बिंझवार और हलबा की बात करें तो ये जनजातियां जो है वो आर्य भाषा समूह के अंतर्गत आती है। लेकिन आप संजय अलंग की किताब देखोगे तो संजय अलंग की किताब में लिखा हुआ है कि बिंझवार जनजाति और हलबा जनजाति जो है वो द्रविड़ भाषा समूह के अंतर्गत आती है। देखिए ये जो जनजाति है बिंझवार और हलबा, ये दोनों जनजाति जो है बहुत ही प्राचीन समय से यहाँ निवास करती है, तो इसलिए ये जो जनजाति है वो किस में आएगी? आर्य भाषा समूह में आएगी। लेकिन जो हलबा जनजाति है, चूंकि ये कहाँ से आई है, ऐसा माना जाता है कि ये 14वीं शताब्दी में काकतीय वंश के शासक अन्नम देव के साथ वारंगल से छत्तीसगढ़ आई थी, इसलिए चूंकि ये दक्षिण में निवास करती है, भारत के दक्षिण क्षेत्र में निवास करती है, इसलिए इन्हें ये कह दिया गया कि ये द्रविड़ भाषा समूह की जनजाति है। संजय अलंग की किताब में ये कह दिया गया कि ये द्रविड़ भाषा समूह की जनजाति है, लेकिन ये है कहाँ की जनजाति? आर्य भाषा समूह की जनजाति है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रविड़ भाषा समूह। ऐसी जनजातियां जो कि भारत के दक्षिण में निवास करती है
वो जनजातियाँ जो है वो द्रविड़ प्रजाति की है और द्रविड़ भाषा समूह के अंतर्गत आती है। वो द्रविड़ भाषा में जितनी भी बोलियाँ होती वो बोलती हैं। तो कौन कौन है देखिए, गोंड, उराव, कोंद, दोरला, परजा, माड़िया, बैगा, भारिया, अगरिया, कोया, प्रधान। तो इसमें देखिए एक्सेप्शनल केस, जो छत्तीसगढ़ उराव जनजाति तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में निवास करती है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस देखिए। और नेक्स्ट है आपका बैगा, बैगा जनजाति जो है वो मैकल रेंज में निवास करती है। बाकी जितनी भी जनजातियाँ सभी की सभी कहाँ निवास करती है, और ये अघरिया, बाकी जितनी भी जनजातियाँ वो कहाँ निवास करती है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में निवास करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुंडा भाषा समूह की। तो मुंडा भाषा समूह के अंतर्गत कौन कौन सी जनजातियाँ आती है देखिए, मुंडा, कोरवा, मांझी, खरिया, गदबा, बिरहोर, सांवरा, कोरकू, खैरवार, सौरा, बिरजिया, खड़िया, भील और नागेशिया। ये जितनी भी जनजातियाँ हैं सभी की सभी छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में निवास करती है। तो देखिए यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में जो जनजातियाँ निवास करती है वो कौन से भाषा समूह के अंतर्गत आती है, मुंडा भाषा समूह के अंतर्गत आती है। जो जनजातियाँ छत्तीसगढ़ के दक्षिण में निवास करती है वो कौन से भाषा समूह के अंतर्गत आती है, द्रविड़ भाषा समूह के अंतर्गत आती है। और ऐसी जनजातियाँ जो कि छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में निवास करती है वो आर्य भाषा समूह के अंतर्गत आती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो उत्तरी में क्षेत्र में निवास करती है वो मुंडा भाषा समूह के अंतर्गत आती है, जो मैदानी क्षेत्र में निवास करती है वो आर्य भाषा समूह के अंतर्गत आती है, और जो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में निवास करती है वो द्रविड़ भाषा समूह के अंतर्गत आती है। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, ऐसी कुछ कुछ जनजातियाँ हैं जो उत्तर में निवास करती है लेकिन द्रविड़ भाषा समूह के अंतर्गत आती है। जैसे कि इसमें कौन है, उराव है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो बोली है वो कौन सी है, गोंडी है। उसके बाद नेक्स्ट किसका, और जो दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो बोली है वो कौन सी है, हल्बी है। और तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है, कुड़ुक है। कुड़ुक कौन बोलता है, उराव जनजाति के लोग बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमेशा CGPSC में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में दूसरी सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है। तो ये आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। लेकिन बस्तर की जो मुख्य बोली है वो कौन सी है, हल्बी बोली है। ठीक, जो बस्तर की मुख्य बोली है वो कौन सी है, हल्बी बोली है। यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो पॉपुलेशन के आधार पर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गोंड जनजाति निवास करती है। तो सबसे अधिक कौन सी जनजाति निवास करती है, गोंड। उसके बाद यहाँ कंवर जनजाति निवास करती है, फिर उराव जनजाति निवास करती है, फिर हल्बा, भद्रा, सांवरा, बिंझवार, नगेशिया, देन भूमिया। इनकी जनसंख्या की बात करें तो गोंड जनजाति जो है वो लगभग 43 लाख है, कंवर जनजाति का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 9 लाख है, उराव जनजाति का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 8.5 लाख है, और बाकी ये जितनी भी जनजातियां हैं इनका जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का है। ठीक, तो ये आप लोग याद रखिएगा, कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि जनसंख्या के आधार पर इन जनजातियों को आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी जनजातियों से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और उसकी जो कला और संस्कृति है उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।